Hey guys, this is Pallavi and Sonam. हम आप सभी का बॉलीवुड प्रिंट में स्वागत करते हैं। तो सोना एक बात बताओ, अगर तुम किसी भी लड़की को देखते हो, किसी डस्ट की लड़की देखते हो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि वो ब्यूटीफुल है कि सेक्सी? मैं लड़की को देख के ऐसा कुछ सोचती नहीं। हाँ, लेकिन हमारी जनता सोचती है जब वो किसी भी डस्ट के एक्ट्रेस, यानी मान लो ईशा गुप्ता को देखती है, दीपिका पादुकोण को देखती है, प्रियंका चोपड़ा को देखती है, तो बोलती है सेक्सी है। और अगर जब सारा अली खान को देखते हैं, आलिया भट्ट को देखते हैं, तो उनको ब्यूटीफुल कहते हैं। एक्चुअली पल्लवी, बात यहाँ ये है कि जो हमारे इंडियंस हैं ना, उन्होंने ब्यूटी का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, जिसमें अगर आप सुंदर हैं तो आपको खूबसूरत कहा जाएगा, और अगर आपका कलर सांवला है, मतलब अगर आप डस्की रंग के हैं, तो आपको सेक्सी कहा जाएगा। और इसमें ना फिगर भी बहुत मायने रखता है। मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रही हूँ सोनम, क्योंकि अभी हाल ही में ईशा गुप्ता ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें ये बोला है कि हमारे देश में एक ब्यूटी का एक क्वेश्चन है, यानी अगर आप फेयर हो तो आपको सुंदर ब्यूटीफुल कहा जाएगा, लेकिन अगर आप सांवली हो तो आपको सेक्सी, मतलब ब्यूटी माना ही जाता है जस्ट की इंसान को। तो पल्लवी, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपको ना इनकी ये बात सच लगने लगेगी ईशा गुप्ता की, क्योंकि देखिए बिपाशा बसु है, वो जो बंगाली पाला है, उन्हें सेक्सी कहा जाता है, कभी कोई ब्यूटीफुल नहीं कहता है। इसके अलावा अगर चित्रांगदा सिंह की बात करूं, कोंकणा सेन शर्मा की बात करूं, ये सब बस सेक्सी कहा जाता है, कोई ब्यूटीफुल नहीं कहता उनको। बात बस यहाँ घूम फिर कर इतनी सी है कि गोरे रंग को ना हम वो सुंदरता का पैमाने पे ना सबसे ऊपर रखते हैं। तो अगर ब्यूटी क्रीम्स की बात करूं तो इट्स कॉल्ड फेयर एंड लवली, ना कि डस्की एंड लवली, डार्क एंड लवली, मतलब फेयर एंड लवली। फेयर एक ऐसा वर्ड है जिससे हमने हर कोई चाहता है फेयर दिखना। लेकिन पल्लवी, तुमने वो पॉन्ड्स का एडवर्टाइजमेंट देखा है? फेयर एंड लवली का नहीं था, पॉन्ड्स का था, जिसमें सैफ अली खान थे और प्रियंका चोपड़ा थी। आपको याद है वो एडवर्टाइजमेंट? बिल्कुल मुझे याद है, उसमें मुझे अच्छे तरीके से याद है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा उतनी फेयर नहीं होती, इस वजह से सैफ अली खान उनको छोड़ देते हैं। उनको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, जब तक वो वापस आ करते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, तो फिर उनसे प्यार करने लगते हैं। मतलब ये कुछ वैसा नहीं हुआ कि जैसे पुरानी फिल्मों में हीरो को छोड़ देती थी हीरोइन पैसे के लिए, फिर वो आगे चल के रिच होके आते थे। मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगी सोनम, कि जो आप ड्रेस पहनते हो, अगर आपने इंडियन वेयर पहना तो आपको लोग ब्यूटीफुल कहेंगे, अगर आपने वेस्टर्न वेयर पहना तो आपको सेक्सी कहेंगे। जब हम इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं ना, तो लोग हमें ना उसी नजर से देखते हैं कि हाँ ये कितनी खूबसूरत है, और उस पर अगर आप फेयर हो तो आपको ब्यूटीफुल कहा जाएगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो आपको ना सेक्सी, हॉट, बेबो, ऐसा टाइप का मतलब कॉमेंट्स मिलते हैं। रानी मुखर्जी की बात, रानी मुखर्जी सावली है, काजोल भी सावली, लेकिन जब वो लोग इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं तो उनको बॉर्न ब्यूटीज कहा जाता है। और क्या, लगते भी तो हैं वो लोग, ब्यूटीफुल लगते हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, और जो काजल जब लगाते हैं वो लोग, माय गॉड। आप मतलब कौन से एक बंगाली को मुझे लाकर दे दो आप जिसकी ब्यूटीफुल आईज ना हो। वाकई उनको मतलब जन्म होने से पहले ही क्या मतलब ऐसा कुछ खाती है उनकी माए कि उनकी आंखें इतनी सुंदर होती है। वो लोग सांवले होते हैं लेकिन जो आंखें होती है ना, वो जो लटके झटके होते हैं, साथ ही उनके बाल भी बड़े घुंघराल। बात हो रही है ना कि खूबसूरती की, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई खूबसूरत नहीं कह रहा है तो आप हाइट नहीं छू सकती हैं बॉलीवुड में या किसी भी करियर में। तो मुझे नहीं लगता कि ब्यूटी आज के टाइम में बहुत ज्यादा मायने रखती है किसी के लिए। लेकिन लोगों की मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है ना, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा को काफी बार देखने को मिला है कि वो सांवली है, वही अगर दीपिका की बात करें वो सांवली है, लेकिन कोई मानता नहीं कि वो सांवली है, वो अलग बात है। ऐश्वर्या राय भी सांवली है, अब वो सबसे खूबसूरत औरत है। और अगर सांवलेपन की बात करें तो हमारे देश की जो टू मिस यूनिवर्स रही, दोनों की दोनों सांवली है, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन दोनों। लेकिन बात ये है ना पल्लवी कि वो सांवली रियल लाइफ में है, हम उन्हें जब देखते हैं ना तो वो फेयर ही दिखती है हमें, क्योंकि इतना मेकअप होता है उनके चेहरे पे। काजोल ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी उस टाइम की फिल्म्स में उनको देखी है कि वो मतलब एकदम काली थी, लेकिन अब उनका कॉम्प्लेक्शन इतना ज्यादा फेयर हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको डस्की भी बोल सकती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि डस्की कलर ब्यूटी के लिए इतना ज्यादा मैटर करता है कि वो लोग सेक्सी होते हैं और जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं? लेकिन ऐसे बहुत सारे फेयर लोग होते हैं ना वो ब्यूटीफुल ही रहते हैं, कि मेरा मानना ये है ना कि सेक्सी जो होता है ना कॉम्प्लीमेंट नहीं है सिर्फ, वो एक भावना, एक फीलिंग है। मतलब अगर कोई बंदी जाए तो उसको सेक्सी कहे तो मतलब तुम मानते हो कि ब्यूटीफुल भी है और सेक्सी भी है। सेक्सी इज ऑल्सो अबाउट द फिगर, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, और ब्यूटीफुल बस फेस के लिए होता है, लेकिन जो सेक्सी होता है ना पूरी आप जैसे हो उसके लिए होता है, मेरा ये मानना। आप ब्यूटीफुल वर्ड को इतना
ज्यादा छोटा नहीं समझ सकती है, क्योंकि अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है यू आर ब्यूटीफुल, तो ये आपके लिए ना बड़ा खुशी का होता है कि आप सेक्सी हो, तो हर लड़की खुश नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई कहे आप खूबसूरत हो, तो हर लड़की के दिल में फूल जरूर खिल जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ब्यूटीफुल जो होता है वो बस इस एरिया में रहता है, बस आपका फेस अगर किसी से तो बोलता है कि आप ब्यूटीफुल, आपके बाल बहुत ज्यादा सुंदर है, आपकी आंखें बहुत सुंदर, आपके गाल बहुत ज्यादा गुलाबी है, तो लोग कहेंगे कि आप ब्यूटीफुल हो। लेकिन सेक्सी, और आजकल की अगर बात करूं मैं, तो आजकल लोग प्रेफर करते हैं सेक्सी। तो आप बताइए, आपको क्या मानना है कि ब्यूटी सिर्फ किसी के कलर तक ही लिमिटेड रह गया है, या फिर इट्स मोर देन दैट, इट्स अबाउट हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, इट्स अबाउट हाउ दे आर रादर देन देयर कलर, द स्किन कलर? यस। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और गपशप, ऐसे और डिस्कशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड मिरर। बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।